आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। इसे मैं आता हूं कि मैं गोरखपुर धरती में आ रहा हूं, लेकिन उज्जैन की धरती से बड़ा हूं। तो उज्जैन और गोरखपुर का हमारा लंबा संबंध है। ऐसा माना जाता है कि मत्स्यनाथ और गोरक्षनाथ भगवान हमारे अपने उज्जैन में जब राजा भर्तरी राज्य कर रहे थे, तो भर्तरी जी के राज्य करते करते उनको संन्यास मार्ग पर लाने के लिए नवानाथ ढूंढने के अंतर गोरखनाथ जी ने उज्जैन से संबंध बनाया और दुनिया में वो अद्वितीय इतिहास लिखा गया। दुनिया में तीन भाइयों की जोड़ी बहुत प्रसिद्ध हुई है, दो आपकी धरती से भगवान राम और लक्ष्मण, भगवान कृष्ण और बलराम, और तीसरी जोड़ी उज्जैन से हुई जो भर्तरी और विक्रमादित्य के नाते से जानी जाती है। मैं एक बार उस अपने गौरवशाली इतिहास को नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ, अतीत के उस रिश्ते को नमन करता हूँ। जहां मैं बात कर रहा हूँ, ये भगवान बुद्ध की जन्मस्थली पास में है, ये उनकी ननिहाल है। अलग अलग कारण से, कई कई कारणों से ये बहुत पवित्र नगरी है, बहुत पवित्र धरती है, और आज के समय में इसको बोलना समसामयिक होगा। जब हम बात कर रहे हैं चुनाव की तरफ बढ़ने की, तो चुनाव के समय चुनाव जैसी बात भी आ जाना चाहिए। हमारे अलावा जो दल है वो भी अपनी बात कहेंगे, हम भी अपनी बात कहेंगे, और लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ये भारत और सबसे युवा देश दुनिया में कोई है तो वो भी भारत है। और हमको अपना 21वीं शताब्दी का यशस्वी भारत का नेतृत्व सौंपना। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब जनता के लिए जनता के द्वारा और जनता का शासन चुना जाना चाहिए, यह संविधान हमको अधिकार देता है। ऐसे में इस संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार में जनता का आदमी चुना जाना जो पहला शब्द है, और दूसरा जनता के द्वारा, और तीसरा जनता के लिए, इन तीनों बातों को याद रखोगे तो आपको सारी बातें मिल जाएंगी। इन सारी बातों के पीछे सार ये है, आप बताओ कोई भी कांग्रेस का नेता, किसी पार्टी का नेता, कोई इस बात के लिए नहीं कहेगा कि इस देश में सरकार बनाएंगे तो हमारे द्वारा अतीत की इस बात की माफी मांगी जाएगी कि नेपाल से हमारे संबंध खराब क्यों थे। नेपाल को लेकर के भारत के संबंध हजारों साल से बहुत अच्छे थे, और अकेले नेपाल नहीं, सारी दुनिया चारों तरफ की, हमारी देश की चारों तरफ की सीमा है अगर असुरक्षित थी तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कांग्रेस तो मुंह उठा करके बात करने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जो गलती की अतीत में, अभी कांग्रेस के जो साहेबजादे हैं उनकी पांचवी पीढ़ी के पहले करुणाना नेहरू जी ने गलती की, इस देश के अंदर 1,00,000 किलोमीटर से ज्यादा जमीन आज भी चाइना के पास है, ये पाप अगर किसी के पास है तो ये कांग्रेस के सिर पे लगा हुआ पाप है, जिसके कारण से लंबे समय तक ये कलंक हमारा माथे पे रहा। और हम तुलना करें यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की, अरे हमारे देश की तो छोड़ो, हमारे देश की तो कोई एक इंच, हमारे से मित्रता का संबंध है भूटान का, जैसे नेपाल का है। नेपाल की जमीन डोकलाम नामक स्थान पर चाइना अतिक्रमण करने आया और दुनिया ने तमाशा देखा, इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पड़ोसी धर्म का भी निर्माण करते हुए डोकलाम में भी झंडा गाड़ा, भारत माता की जय जयकार करते हैं। नेतृत्व हो तो कैसा होना चाहिए, यह एहसास कराने का एहसास कराया कि सरकार में बैठना और सरकार को बैठ के सरकार की तरह चलाना, और ये सरकार के चलाने में भी इस देश का गौरवशाली अतीत है। दुनिया की कई सत्तने आई चली गई, लेकिन भारत अपनी जगह पर, अभी जिसको कहा इकबाल ने कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात नहीं है, ये कांग्रेस वालों ने लगातार लज्जित करने का प्रयास किया था, और यही कारण है सीमाओं की सुरक्षा से लगा करके, अरे अंदाज लगाओ, आपने
के 1 अरब 2014 में जब याद करो यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपना सुप्रसिद्ध घोष वाक्य बोला था, उन्होंने कहा आपने 60 कांग्रेस को दिए, 60 मुझे केवल 60 महीने दीजिए। याद करो उस समय का भाषण उनका, और 12 5 साल के लिए अर्थात 60 महीने के लिए, और 60 महीने के अंदर जो सरकार चला के दिखाई, जनता ने भी भरोसा किया, क्योंकि कांग्रेस के शासन काल में एक के बाद एक घोटाला लगातार घोटाले पे घोटाले होते रहे। पूरा देश अस्त व्यस्त था, पूरे देश की हालत खराब थी, चारों तरफ हाहाकार मचा था। मनमोहन सिंह सरकार जरूर चला रहे थे, लेकिन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।